तो आज हम आपको बताएंगे टॉप 10 बेस्ट सुपर हीरोज एंट्री के बारे में। और हाँ, ये वाली लिस्ट टोटली मेरे ओपिनियन पर बेस्ड है, तो अगर आपके फेवरेट सुपर हीरो की एंट्री इस लिस्ट में नहीं है या फिर वो उस रैंक पर नहीं है, तो इसमें गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना लिस्ट हमको कमेंट्स में बता सकते हो। तो ओडिन की दाढ़ी की कसम खाते हुए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, ब्लैक पैंथर। ऑल्दो ब्लैक पैंथर की सारी एंट्रीज काफी ज्यादा कूल है, बट मेरी जो फेवरेट है वो है ये वाली एंट्री, जहां पर जब किलमोंगर वाइब्रेनियम को वकांडा से बाहर एक्सपोर्ट करवा रहा था, लेकिन उसी वक्त अचानक से उसका स्पेसशिप क्रैश हो जाता है, जिसके ऊपर से ब्लैक पैंथर लिटरली एक ब्लैक पैंथर की तरह चढ़ते हुए आता है। नंबर 9, द मोस्ट वेस्टेड एवेंजर यानी द हल्क। वेल, हल्क की भी काफी सारी अच्छी अच्छी एंट्रीज हैं, जैसे कि ये वाली या फिर ये वाली, बट जो हल्क की बेस्ट एंट्री है वो है ये वाली, जिसमें कि ब्रूस बैनर एकदम सॉफ्टली हल्क में ट्रांसफॉर्म होता है और इस बड़े से लिवाइथन को सिर्फ एक पंच में लिटा देता है। नंबर 8, कैप्टन अमेरिका एंट्री इन इन्फिनिटी वॉर, जिसमें कि हम देखते हैं कि विजन और वांडा थोड़े से बैकफुट पर है, बट तभी पटरी के उस पार हमें दिखता है अंधेरे में खड़ा एक आदमी, जिसके ऊपर जब प्रॉक्सिमा मिडनाइट अपना वेपन फेंकती है तो वो उसको बड़े ही आराम से पकड़ लेता है, जिसके बाद वो आदमी परछाई से बाहर होता है और हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि अपने कैप्टन अमेरिका थे विथ हिज न्यू लुक, और सुडाई से कि उन्होंने थॉर की दाढ़ी कॉपी की थी। नंबर 7, कैप्टन मार्वल एंट्री इन एवेंजर्स एंड गेम। तो एंड गेम के फाइनल बैटल में जब थैनोस अपनी स्पेसशिप से रेन फायर करवाता है तो एवेंजर्स थोड़े बैकफुट पर चले जाते हैं, बट तभी थैनोस की स्पेसशिप अचानक से आसमान में गोली चलाने लगती है, तो टोनी फ्राइडे से पूछता है कि ये चूतिये किस पर गोली चला रहे हैं, जिसके जवाब में फ्राइडे कहती है कि आसमान से कोई चीज बहुत ही तेजी से हमारे ओर आ रही है। फिर हम देखते हैं कैप्टन मार्वल को, जो कि थैनोस के स्पेसशिप को एकदम कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसको देखने के बाद सबके अपने अपने रिएक्शंस निकलते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे बेस्ट रिएक्शन था वो था रॉकेट का। नंबर 6, तो बैटमैन की इस वाली एंट्री को हम क्या ही एक्सप्लेन करें यार, आप खुद ही देख लो कि आई एम वेंजेंस सुनने के बाद इनकी कैसे गांड फट जाती है। I'm vengeance. बस बस, ज्यादा नहीं दिखा सकते, वरना WB वाले मूवीज बनाने में आगे हो या ना हो वो कॉपीराइट देने में आगे जरूर है। नंबर 5, क्विक सिल्वर। अरे नहीं नहीं, ये गोली से मरने वाले क्विक सिल्वर की बात नहीं कर रहे, बल्कि एक्समैन एपोकलिप्स में जो क्विक सिल्वर हमें दिखा था हम उसकी बात कर रहे हैं, जिसकी एंट्री मेरे हिसाब से बाकी सारे स्पीडस्टर्स में से सबसे बेस्ट एंट्री है। तो जब वो इस टकलू के स्कूल में हुए एक्सप्लोजन से बाकी सारे लोगों को बचाता है तो वो चीज काफी ज्यादा कूल लगती है देखने में, क्योंकि क्विक सिल्वर इतना तेज था कि उसके लिए वो एक्सप्लोजन भी बहुत ही ज्यादा स्लो चल रहा था। नंबर 4, द मैन ऑफ स्टील सुपरमैन। तो जैक स्नाइडर जस्टिस लीग के इस वाले सीन में जब स्टेफन वुल्फ साइबॉर्ग के दो टुकड़े करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर सुपरमैन आ जाता है और कहता है, जिसके बाद तो वो स्टेफन वुल्फ जैसे न्यू गॉड को एकदम कुत्ते की तरह मारता है। नंबर 3, द स्मार्टेस्ट मैन अलाइव। नहीं नहीं, रीड रिचर्ड्स की बात नहीं कर रहे हैं, वो अपना टोनी स्टार्क है या फिर था। तो टोनी का हर एक सुटअप या एंट्री एकदम टॉप नॉच है, जैसे कि ये वाली, ये वाली, ये वाली या फिर ये वाली, बट मेरे हिसाब से जो उसकी बेस्ट सुटअप या फिर आयरन मैन की एंट्री है वो है ये वाली एंट्री, जहां पर हम सबसे पहली बार देखते हैं टोनी के मार्क 50 आर्मर को, जो कि नैनो टेक्नोलॉजी से बनी हुई थी। आप खुद ही देख लो यार कि कितना कूल लग रहा है ये एंट्री। नंबर 2, टोबी एंड एंड्रयू एंट्री इन स्पाइडरमैन नो वे होम। तो ये वाली एंट्री देखने में तो एकदम सिंपल और स्ट्रेट लगती है, बट इस वाले एंट्री से बहुत लोगों की इमोशंस जुड़े हुए हैं। तीनों स्पाइडरमैन्स को एक साथ देखना, वो भी एक बड़े पर्दे पर, इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू फॉर स्पाइडरमैन फैंस। और नंबर 1 पर है नन अदर देन थॉर ओडिनसन एंट्री इन वकांडा, जो कि मेरे हिसाब से द बेस्ट सुपर हीरो एंट्री है लाइव एक्शन में। मतलब कि एवेंजर्स ऑलमोस्ट यहाँ पर हारने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहां पर बायफ्रॉस्ट खुलती है, जिसमें से निकलता है स्टॉर्म ब्रेकर, जो कि सुपर हीरोज को आउटराइडर्स से बचाती है
और फिर वापस बायफ्रॉस्ट के अंदर चली जाती है, जिससे बाहर निकलता है थॉर विथ हिज न्यू वेपन, न्यू आर्मर एंड न्यू लुक। और उसके साथ साथ थे रॉकेट और ग्रूट, जिसको देखने के बाद बाकी सारे एवेंजर्स के रिएक्शन निकलते हैं। बट जो सबसे बेस्ट रिएक्शन था वो था थिएटर्स में बैठे ऑडियंस का, आप खुद ही देख लो। तो आई गेस बस आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो या फिर आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो तो वो हमको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।